गाइस वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज आपके पास से पहुंच रही है? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए सो लेट स्टार्ट आवर सेशन। मेरा दीपेश कौशिक स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और क्या मेरी आवाज आप लोग के पास में ठीक तरीके से आ रही है? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ठीक तरीके से? वेरी गुड इवनिंग श्रेया, गुड इवनिंग। मतलब आवाज मेरी पहुंच पा रही है। सो चलिए हम जैसे पहले लेट हो चुके हैं, ज्यादा लेट नहीं करेंगे सेशन को। तो स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं दीपेश कौशिक यहाँ बात करता हूँ मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जितने भी विषय शामिल हैं, जितने प्रश्न आने की संभावना है, उन सारे महत्वपूर्ण विषयों पे मैं और आप यहाँ पे बात करते हैं। और उसी श्रृंखला में आज का हमारा जो वीडियो है ये आया हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के ऐसे वीर की जिसने मुगल साम्राज्य की जो ईंटें थी, जिसे बुनियाद बोलते हैं, उस तक को हिला दिया था। तो चलिए मेरे साथ। और सबसे पहले यहां हम दो चीजें को एक साथ में लेके चलेंगे। पहले हम बात करेंगे यहां पर मुगल की, मुगल वंश की बात करेंगे और उसके साथ साथ में फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में महाराजा छत्रसाल की, जिन्हें बुंदेल केसरी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्या उन्होंने ऐसे काम किए और औरंगजेब के साथ में उनकी जो नीतियां थी या औरंगजेब की जो नीतियां थी बुंदेलखंड के लिए वो क्या थी, उन सारे महत्वपूर्ण विषयों पे आज हम यहां बात करने वाले हैं। वेरी गुड इवनिंग आप सबके पास। प्राची गुड इवनिंग, मोहित गुड इवनिंग, विजय भास्कर। चलिए सो लेट स्टार्ट। और आज जो विषय है आपके सामने, आप इस लाइन से ही इस बात को समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस, इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस छत्रसाल सो लरन की रही ना काहू काहू हौस। हौस का मतलब होता है यहां पर हिम्मत। हिम्मत की बात यहां पे की जा रही है। तो यहां मध्य भारत की चार नदियों के बारे में बात की जा रहा है। और चार नदियां जो है हमारे सामने, उसमें सबसे इंपोर्टेंट जो नदी हमारे सामने आई है उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका एक का नाम हो जाएगा यहां पर यमुना, दूसरी हो जाएगी हमारे पास में नर्मदा, तीसरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी चंबल और चौथी जो नदी है उसका नाम हो जाएगा टोंस। ठीक है। जब टोंस की यहां पर बात की जाती है, यहां जब भारत की बात करेंगे तो आपको पता है यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है, एक सीमा यहां तक की हो गई है। यहां से दूसरी नदी जो होती है वो नर्मदा यहां से जाती, यमुना नर्मदा, ये नदी कौन सी हो गई? यमुना। ठीक है, यमुना। यहां पर कौन सी नदी हो गई? नर्मदा। ये नर्मदा नदी है। ठीक है। तीसरी कौन सी है? चंबल नदी, यानी कि ये चंबल जाएगी और ये यहां से टावा के पास जिससे मिल जाएगी यमुना से। और चौथी जो नदी है उसका नाम क्या है? टोंस, जो इस प्रकार से यहां बह रही है। इन चारों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है यहां पर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो महाराजा छत्रसाल से लड़ाई करे, युद्ध करे। ऐसा पराक्रम इन्होंने अपने क्षेत्र में दिखाया था। और ये टाइम वो है जब मुगल अपने पराकाष्ठा पे थे। आपने नाम सुना होगा मुगल बादशाह औरंगजेब का। औरंगजेब वही औरंगजेब है जिसे हम जिंदा पीर कहते थे, जिसे हम आलमगीर के नाम से जानते थे। और वो औरंगजेब जो शाहजहां का पुत्र था और वही शाहजहां जिसने आगरा में ताजमहल की स्थापना की थी। तो आइए मेरे साथ उन सारे महत्वपूर्ण विषयों पे आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं महाराजा छत्रसाल और औरंगजेब के बारे में। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और जितने भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं वो सारे के सारे प्रश्न आप अपनी परीक्षा में सॉल्व कर पाएंगे। तो ये महाराजा छत्रसाल की बात है। यहाँ सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि उस टाइम पे भारत की नीतियाँ क्या चल रही हैं या भारत का इतिहास है, भारत के इतिहास में क्या क्या उस टाइम पर चल रहा था, उन सारे महत्वपूर्ण विषयों की हम बात करेंगे। और क्यों ऐसी संभावना बनी कि यहां पर औरंगजेब ने भी महाराजा छत्रसाल को राजा की उपाधि दी थी। अंततः एट द लास्ट राजा की उपाधि जो टाइटल था वो यहां पर महाराजा छत्रसाल को स्वयं औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। तो यहां सबसे इंपोर्टेंट जो चीज हमको समझनी है वो समझनी सबसे पहले मुगल साम्राज्य। औरंगजेब के बारे में जानेंगे कि औरंगजेब था क्या। देखिए यहां जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कई सारे क्षेत्रों पर दिल्ली से सल्तनत जब चलती थी वहां तक का यहां पर प्रभाव देखा गया है, मुगल साम्राज्य का प्रभाव देखा गया है और अंग्रेजों का प्रभाव देखा गया है। अभी यहां जो बात करने वाले हैं, हम यहां बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य की, कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई। हालांकि हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको यहां समझा देना चाहता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले जब मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो आपको पता है मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में की गई थी, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, ठीक है। उसके और स्थापना की किसने थी? बाबर ने, ठीक है। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर का बेटा कौन होता है? बाबर का बेटा होता है हुमायूं। कौन होता है? हुमायूं बाबर का बेटा होता है। बाबर के बेटा हुमायूं के बाद में कौन आता है? अकबर, ठीक है। अकबर ने यहां पर शासन किया और अकबर के बाद में आता है कौन? जहांगीर। जहांगीर ने भारत पर शासन किया और जहांगीर के बाद में जो शासक आता है उसका नाम होता है शाहजहां। शाहजहां। और यही शाहजहां की जब बात की जाती है तो इसके बाद में अगला जो शासक आता है उसका नाम होता है औरंगजेब। क्या नाम होता है उसका? औरंगजेब, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है? 21 अप्रैल 1526, बिल्कुल सही बात है। तो ये बाबर से कहानी स्टार्ट होती है 1526 में और इसका शासन कब तक चलता है? 1530 तक। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा जब शासक बनता है हुमायूं, 1530 से स्टार्ट करता है और एट दी लास्ट 1555 में इसकी यहां पर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अगला जो शासक बनता है अकबर, 1556 से लेके 1605 तक इसका शासन चलता है और उसके बाद में अगला जो शासक होता है जहांगीर, 1605 से लेके 1627 तक इसका शासन चलता है और उसके बाद में शाहजहां का जो शासन होता है वो होता है 1628 से लेके 1658, 1628 टू 1658। और इसके बाद में यहां जो शासन करता है अपने भाइयों को मारने के बाद में, औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने अपने भाइयों के मारने के बाद में दिल्ली का जो मुगल साम्राज्य था उस पर हत्याया था और इसका जो कार्यकाल था वो था यहां पर 1658 से लेके 1707, फ्रॉम 1658 टू 1707 द राइन पीरियड ऑफ औरंगजेब। एंड ही वाज सन ऑफ शाहजहां who built Tajmahal in Agra on the bank of Yamuna river। क्लियर है यहां तक की बात? यहां तक की बात ठीक है? हाँ, पता है मुझे, सिंधु चला जाता है, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये सारा का सारा जो किस्सा था यहां हमने इसके मुगल के बारे में आज जान लिया है, ठीक है। अब दूसरी जो कहानी हमारे सामने आने वाली है वो आएगी औरंगजेब की, ठीक है। तो औरंगजेब का जन्म कब होता है? औरंगजेब का जन्म होता है 1618 में गुजरात के दाहोद में। इसके पिता का नाम क्या है? इसके पिता का नाम है शाहजहां और माता का नाम क्या है? मुमताज। और इसके साथ साथ में यहां पर इसकी जो बीवियां आप देख पा रहे हैं, आपको पता है कि पहले मुगल काल में पहले बीवियां होती थी और उसके साथ साथ में उनके हरम भी हुआ करते थे, ठीक है। तो यहां जो शासन की बात की जा रही है, औरंगाबाद महल की जब बात की जा रही है तो ये रोहानी बेगम की बात की जा रही है जो इसकी यहां पर बीवी थी और इसी बीवी की याद में इसने औरंगाबाद में बीवी का मकबरा बनवाया था, जिस बीवी के मकबरे को ताजमहल की नकल कहा जाता है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद है जिसकी स्थापना औरंगजेब के द्वारा की गई थी और वहीं अपनी बीवी की याद में एक ताजमहल बनवाया जाता है जिसको बीवी का मकबरा भी कहा जाता है। क्लियर है यहां तक की बात? सारी बातें क्लियर है? अच्छा, इसके बाद में आप बेटे देख रहे हैं बहादुर शाह, आजम शाह, मोहम्मद खां, बहुत सारे यहां पर बेटे देख रहे हैं। लेकिन इसमें से भी जो मुगल वंश का अगला शासक बनेगा उसका नाम यहां पर क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा बहादुर शाह। क्या नाम हो जाएगा उसका? बहादुर शाह। यहां पर मुगल वंश का अगला शासक बनेगा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में। दो तीन चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो यहां पर आलमगीर की उपाधि इसकी थी, आलमगीर बोला जाता था इसको और इसके साथ साथ में इसको बोला जाता था जिंदा पीर। क्या बोलते थे इसको? हम जिंदा पीर भी कहा जाता था क्योंकि एक टाइम पर एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ने वाला कोई मुसलमान था, कोई मुगल शासक था तो वो कौन था? वो था औरंगजेब। वो कौन था? औरंगजेब। तो यहां पर हमने ये सिर्फ जो बात की है बच्चों, अभी यहां पर हमने बात की है किसकी? ये बात की है हमने औरंगजेब की। और इसी औरंगजेब की मृत्यु 1707 में अहमदनगर महाराष्ट्र में इसकी क्या हो जाती है? यहां पर मृत्यु हो जाती है। छत्रसाल की बेटी थी मस्तानी। हाँ बिल्कुल सही, आने वाले टाइम में हम बात करने वाले हैं। क्लियर है बात? सर आज आप अपसेट क्यों हैं? अरे नहीं अपसेट नहीं मेरे भाई, आप लोग साथ में अपसेट कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना बच्चे, ये जितने भी पॉइंट यहाँ पर बने हुए हैं, कभी कभी यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था, गुजरात में हुआ था। मैं आपको बता देता हूँ, ये बात 100% श्योर है कि औरंगजेब का जन्म जो था वो कहाँ पर हुआ था, दाहोद, और दाहोद कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम शाहजहां है, और यहाँ पर कौन है? मुमताज। शाहजहां जिसको हम ताजमहल के लिए जानते हैं, मोहब्बत की निशानी, प्रेम की निशानी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जब ये पता चला कि शाहजहां जो है, इसके अफवाह उड़ गई थी कि शाहजहां बीमार है, और बीमारी के बाद में अगला शासक अब कौन बनेगा? आपको पता है दारा शिकोह इसका भाई था, ठीक है, तो दारा शिकोह का शासक बनना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया कि अपने तीनों भाइयों को मार दिया। किसने? औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मार दिया, और अंततः शाहजहां को आगरा के लाल किले में, आगरा के लाल किले में क्या कर दिया? कैद कर दिया। और वहीं जहां से ताजमहल को देखा जा सकता था, और उसी ताजमहल को देखते देखते ठीक 8 साल बाद यानी कि 1658 में इसको कैद किया गया, और 1666 में यहीं इसी शाहजहां की आगरा के लाल किले में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर जो शाहजहां होता है, ये औरंगजेब से बोलता है कि ए काफिर, तू जरा हिंदू जो धर्म है उससे पूछ, उससे कुछ सीख कि वो लोग अपने पूर्वजों को मरने के बाद भी खाना देते हैं। जो श्राद्ध पक्ष होता है हिंदुओं में, उसको बिहार पे बोला गया था शाहजहां के द्वारा औरंगजेब को कि तू इनसे कुछ सीख के हिंदू अपने पूर्वजों को मरने के बाद भी खाना देते हैं, तूने तो जीते जी मुझे यहाँ पर खाना देना बंद कर दिया है। ये एक इम्पोर्टेंट का वाक्या है औरंगजेब और शाहजहां के बीच में। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको आराम से क्लियर हो जाएंगी। हाँ, किडनैप कर लिया था, किडनैप नहीं कैद कर लिया। अब किडनैप कौन करेगा भाई? अकेला एक शासक के किडनैप तो कर नहीं सकता है। लेकिन ये सारे पॉइंट जो बेटा यहाँ से बन सकते थे, वो सारे के सारे हमने क्या कर लिए, यहाँ पर आपके सामने मैंने रख दिए। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारी चीज़ें एकदम क्लियर है। ये ध्यान रखना, आलमगीर की उपाधि अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे यहाँ पर उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा औरंगजेब। जिंदा पीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब। आगरा में रेड फोर्ट भी है क्या? बिल्कुल सही, आगरा में भी लाल किला है। चलिए, दूसरा जो पॉइंट बेटा हमारे सामने आया है, अब वो आया है महाराजा छत्रसाल का। बुंदेल केसरी, इनकी उपाधि क्या थी? इनकी उपाधि थी बुंदेल केसरी, ठीक है। कौन सी बुक में लिखा है ये सब? बेटा जी, भारत में बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं, और आपको पता है बाबरनामा, नाम सुना होगा आपने, अकबरनामा, आईने अकबरी, ठीक है, औरंगशाही, या हम बात कर लेते हैं आपसे हुमायूं नामा। ये जितने भी उन्होंने अपनी जो बायोग्राफी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उन सब में ये जानकारी हमको देखने को मिल जाती है, ठीक है, ध्यान देना इस बात पर। चलिए, अब दूसरा जो पॉइंट हमारे सामने आया, वो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम? महाराजा छत्रसाल की। देखिए, छत्रसाल की जब बात करते हैं तो आपको पता है एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था ओरछा। जल्दी से आंसर दो मुझे, ओरछा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ओरछा राजा का टाइटल दिया था औरंगजेब। हाँ बिल्कुल सही, मैंने बोल दिया है। ये बताइए फटाफट से, ओरछा किस नदी किनारे बसा हुआ है? जल्दी से आंसर दो, फटाफट से आंसर दीजिए। ओरछा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से आंसर दीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि ओरछा की स्थापना किसने की थी। जल्दी से आंसर दो। राम राम सबको, वेरी गुड इवनिंग, राम राम। जल्दी बताओ, ओरछा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दो। ओरछा, बेतवा, डॉक्टर विजय भास्कर ने सबसे पहले आंसर दिया है, रिसू ने दिया है सिंध, सद्दाम हुसैन कह रहा है गंगा, रेखा शर्मा बेतवा, अर्पित ठाकुर बेतवा। यस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेतवा, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी रुद्र प्रताप बुंदेला ने। किसने की थी बेटा? ध्यान रखना इस बात को, मध्य प्रदेश से पूछा जाएगा। ओरछा शहर की स्थापना किसने की थी? रुद्र प्रताप बुंदेला ने 15वीं शताब्दी में। किस नदी? 16वीं शताब्दी में। और किस नदी के किनारे है? तो आप बताएंगे उसको, बेतवा नदी के किनारे है। किस नदी किनारे? बेतवा नदी के किनारे। बहुत बढ़िया, राइट आंसर। अच्छा, अब यहां पर इनके जो वंशज हुए हैं, उस वंशज में से एक का नाम क्या है? एक का नाम है यहां पर चंपत राय। क्या नाम है? चंपत राय। और चंपत राय की जब बात की जाती है तो ये भी मुगलों के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, ये भी मुगलों के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं बाकायदा अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए, क्योंकि टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है? टाइम पीरियड चल रहा है औरंगजेब वाला। अच्छा, चंपत राय की जब बात की जाएगी तो इनकी जो बीवी थी उसका नाम था लाल कुंवारी। क्या नाम था उसका? लाल कुंवारी। इनकी बीवी थी किसकी? चंपत राय की। इन दोनों से एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया छत्रसाल। और जन्म कब हो गया? 1649 में, 1649 में जन्म हो गया। और जन्म कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में। किसमें? टीकमगढ़ जिले में महाराजा छत्रसाल का क्या हो गया? जन्म हो गया। अब मुझे बताइए फटाफट से, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला टीकमगढ़ से अलग हुआ है? जल्दी से आंसर दो। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला टीकमगढ़ से अलग हुआ है? जल्दी बताओ। चलिए ठीक है, तो ध्यान रखना, छत्रसाल के पिता का नाम क्या है बेटा? चंपत राय। और माता का नाम क्या है? लाल कुंवारी। ठीक है, ये दोनों इनके माता पिता का नाम है। इसके साथ साथ में इन्होंने दो विवाह किए। पहली बीवी का नाम क्या है? देवकुमारी। ठीक है, और दूसरी कौन सी? यहां पर रोहानी बाई। देवकुमारी और रोहानी बाई। यहां से इस देवकुमारी के पुत्र होते हैं दो, जिसमें से एक का नाम होता है हृदय शाह। क्या नाम होता है? हृदय शाह नाम होता है एक पुत्र का। और जो दूसरा पुत्र होता है उसका नाम होता है जगत राय। क्या नाम होता है दूसरे का? जगत राय। और ये जो रोहानी बाई जो आप यहाँ सामने देख पा रहे हैं, इन रोहानी बाई की जो पुत्री थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था मस्तानी बाई। क्या नाम था? मस्तानी बाई, जो इन रोहानी बाई की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है, यहां तक की बात है। तो ध्यान रखना, जन्म कहाँ हुआ है? टीकमगढ़ में। ओरछा, निवाड़ी अलग हुआ है, ओरछा नहीं, निवाड़ी अलग हुआ है टीकमगढ़ से। 52वां जिला है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो देवकुमारी जो है, इसके दो पुत्र हुए, हृदय शाह और जगत राय। और जो रोहानी बाई है, इनसे जो पुत्री हुई उसका नाम क्या है? उसका नाम है मस्तानी बाई। ठीक है, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की एकता यहां पर देखी गई है। इसके साथ साथ में जो टाइम पीरियड था इनका, वो था 1675 से लेके 1731। 1731, ध्यान दीजिएगा यहां पर। औरंगजेब का मृत्यु कब हो जा रही है? 1707 में, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जा रही है। और उस टाइम पर यहां पर शासन कौन कर रहा है? महाराजा छत्रसाल। यानी कि 1731 में इनकी क्या हो जाती है? यहां पर मृत्यु हो जाती है। और अपने शासन को स्थापित करने के बाद ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये बताइए फटाफट से कि इन्होंने राजधानी किसको बनाया था? तो आपका बेटा आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहां पर पन्ना। किसको बनाया था? पन्ना को महाराजा छत्रसाल के द्वारा अपनी राजधानी बनाया गया था, अपनी राजधानी बनाया गया था। यहां तक की बात क्लियर है? हाँ, अभिषेक, मस्तानी के बारे में भी बात करेंगे अपन। ठीक है, टेंशन ना ले रहा तू, वहां बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है अपन को। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट सही है दोनों बेटे। हृदय शाह, एक का नाम क्या है? हृदय शाह, दूसरे का नाम क्या है? जगत राय। ये बातों को ध्यान रखना है। इनकी जो पुत्री है उसका नाम क्या है? रोहानी बाई का मस्तानी बाई। राजधानी क्या है यहां पर इनकी? पन्ना। शासन कब से किया? 1675 से लेके 1731, फ्रॉम 1675 टू 1731, 1675 से लेके 1731। पिता का नाम क्या है? चंपत राय। माताजी का नाम क्या है? लाल कुंवर। दो बीवियां हैं, पहली का नाम देवकुमारी, दूसरी का नाम रोहानी बाई। और ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये ही है कौन? ये ही है महाराजा छत्रसाल। ये महाराजा छत्रसाल है। ठीक है, यहां तक की बात। पन्ना राजधानी, यहां बिल्कुल सही, पन्ना राजधानी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट मेरे सामने देखेंगे क्या अब इनकी जीवन में, जैसे कल हमने बात की थी किसकी? अहिल्याबाई होलकर की। तो अहिल्याबाई होलकर के पहले पति की मृत्यु हुई, फिर ससुर की मृत्यु हुई, फिर बेटे की मृत्यु हुई, फिर बेटी की मृत्यु हुई, दामाद की मृत्यु हुई। बहुत सारे दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूटा। वैसे ही जब बात करेंगे हम यहाँ पर छत्रसाल की, तो छत्रसाल के साथ में भी दिक्कत हुई। हुआ ये कि इनके जो पिता थे चंपत राय मुगलों की सेना से युद्ध कर रहे थे, यानी मुगलों की सेना से अपने राज्य को बचा रहे थे। और वहीं एक छोटी सी टुकड़ी से युद्ध के दौरान ये घिर जाते हैं मुगल सेना के द्वारा। और मुगल सेना से घिरने के बाद में इन्होंने उनसे मरने की बजाय, जो इनके पास में खुद के इनका जो चाकू था, इनका जो अस्त्र था, उस अस्त्र से इन्होंने अपनी और अपनी जो पत्नी थी उन दोनों की क्या कर ली, हत्या कर ली। दोनों ने अपने आप को मार लिया उसी एक कटार से। पन्ना डायमंड माइंस बिल्कुल सही, ठीक है। तो ध्यान देना इस बात पे, यहां पर चंपत राय और उनकी जो बीवी है उन दोनों की क्या नाम क्या है, लाल कुमारी, जिनका यहां पर क्या हो गई है, हत्या, मतलब खुद उन्होंने अपने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली मुगलों की सेना से हारने के बाद में। और उस टाइम पर छत्रसाल की जो उम्र है वो केवल कितनी है, 14 वर्ष की आयु है, केवल 14 वर्ष की आयु है। अब 14 वर्ष का बालक किस तरीके से अपने आप को कैपेबल करेगा, तो यहां पर इन्होंने केवल 5 घुड़सवार, कितने सवार, 5 घुड़सवार, केवल 5 और 25 सैनिक। ध्यान देना बेटा इस बात पे, 5 घुड़सवार और 25 सैनिकों के साथ में अपनी सेना को क्या किया, अपनी सेना को तैयार किया। लेकिन बात तो यह थी ना कि भाई मुगलों से अपने पिता का जो ऋण था उसको तो चुकवाना था, उसको तो मारना था, उसको तो हराना था। ये बात तो ध्यान रखना है आप, क्योंकि इसकी हत्या किसके द्वारा हुई है, मुगलों के द्वारा। तो इनके मन में सदैव मुगलों से बदला लेकर पितृ ऋण चुकाने के लिए जो भावना थी वो उत्पन्न थी। और छत्रसाल ने किस वंश की थी, परमार वंश की देवकुमारी से विवाह किया। ये हम जान चुके हैं, 2 बेटे हुए हैं, एक का नाम क्या है हृदय शाह और दूसरे का नाम क्या है जगत राय, क्या नाम है, ठीक है, क्लियर है बात। सलीम किसका नाम था, मोहित शर्मा पूछ रहा है बेटा, यहां पर अकबर का जो बेटा हुआ है जहांगीर, ठीक है, ध्यान देना उस बात पर, उसका नाम क्या था, सलीम था। चलो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई साहब कि यहां पर जो राजा था उसने देवकुमारी के साथ में यहां पर क्या कर लिया है, विवाह कर लिया है, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 1678 के आसपास का टाइम पीरियड है जहां पर देवकुमारी ने और यहां पर जो छत्रसाल है इन दोनों ने यहां पर क्या कर लिया है, विवाह कर लिया है, ठीक है। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखें आप, ध्यान देना, अगर किसी ने मुगलों को परेशान किया था, मुगलों को अगर किसी ने परेशान किया था तो वो सबसे पहले यहां पर कौन आए, शिवाजी, कौन आए थे, शिवाजी। और शिवाजी के द्वारा जो पद्धति यूज की गई थी, जो पद्धति यूज की गई थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम बेटा ध्यान रखना, उसका नाम था छापामार पद्धति, छापामार पद्धति थी। और इसके साथ साथ में इन्होंने 2 कर भी इंट्रोड्यूस किए थे, एक का नाम क्या था, एक का नाम था सरदेश, ठीक है, और दूसरा का नाम क्या था चौथ। ये दोनों जो कर थे ये शिवाजी के द्वारा वसूले जाते थे, इन बात पर ध्यान रखना, ठीक है। अब हुआ क्या, महाराजा छत्रसाल और दूसरे कौन है यहां पर, शिवाजी। अगर आपसे भारत की बात की जाए, अगर पूरे भारत को आपको बांटना हो तो किस तरीके से बांटेंगे बेटा, जरा देखो मैं बताऊं आपको, चीजें समझ में आ रही है ना, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो बता देना। देखो ये मान लेते हैं भारत, ये बना हुआ है हमारा भारत, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है यहां पर कौन है, यहां पर तो आपको पता है छत्रसाल है, ठीक है। यहां पर कौन है, इस वाले दक्षिण वाले इलाके में ये कौन है, शिवाजी, दोनों चीजें। और इसके साथ साथ में यहां पर जो औरंगजेब बैठा हुआ है दिल्ली में, अब उत्तर भारत तो पूरा कब्जा हो चुका है भारत में, उत्तर भारत पूरा मुगलों के अधीन है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि औरंगजेब को जाना था अब दक्षिण में, उसको दक्षिण के राज्य जीतने थे। और एक इतिहासकार है वी स्मिथ, एक इतिहासकार है वी स्मिथ, उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु का कारण ही क्या था, उसकी मृत्यु का कारण था उसकी दक्षिण नीति, जो उसकी सदर्न पॉलिसी थी वही उसकी मृत्यु का कारण बनती है। लगातार 28 वर्षों तक शासन किया दक्षिण के लिए, लगातार 28 वर्षों तक शासन किया औरंगजेब ने दक्षिण में जीत पाने के लिए। लेकिन बात वही थी कि यहां पर जो शिवाजी थे यहां से उसको हमेशा एक नुकसान ही यहां पर उसके सामने सिद्ध हुआ। दीज टू आर बोथ हीरोज ऑफ इंडिया, बिल्कुल हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिखिए प्लीज आप लोग, चलिए ठीक है। सरदेशमुखी, हाँ सरदेशमुखी करता और दूसरा चौथ करता, ठीक है, वी स्मिथ। चलिए, और जब यहां से इनकी मुलाकात जो है वो शिवाजी से होती है तो शिवाजी इनको कुछ पॉइंट बोलते हैं, कुछ लाइनें बोलते हैं, जैसे कि आजकल बोली जाती है। क्या लाइन है, करो देश के राज छतारे, हम तुम ते कबू नहीं न्यारे, दौर देश मुगलन को मारो, दपट दिलों के दिल संहारो, ठीक है। ये लाइन शिवाजी के द्वारा, यहाँ सामने आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने शिवाजी है, ये लाइन किसके लिए बोली गई है शिवाजी के द्वारा, ये बोली गई है यहाँ पर महाराजा छत्रसाल के लिए। क्या बोला गया है, करो देश के राज छतारे, यानी कि देश पर तुम क्या करो, अपने देश में जाके राज करो। क्या, किसको बोला है, छतारे का मतलब यहां पर क्या है, छत्रसाल। दूसरी बात, हम तुम ते कबू नहीं न्यारे, मैं और आप अलग नहीं हैं, मैं और आप अलग नहीं हैं। और दूसरी बात, दौर देश मुगलन को मारो, पूरे देश में घूम घूम के किसको मारो, मुगलों को मारो। और जो कपटी दिल वाले हैं उनकी सेना को क्या कर दो, उनकी सेना को मार दो, उनकी सेना को मार दो। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट बात शिवाजी के द्वारा किसको कही गई है, महाराजा छत्रसाल को कही गई है, जब वो उनसे मिलने के लिए आते हैं। कब आ रहे हैं भाई साहब, 1668 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज से भेंट की और शिवाजी ने उनका हौसला बढ़ाते हुए उन्हें वापस बुंदेलखंड में जाकर मुगलों से अपनी मातृभूमि स्वतंत्र कराने का निर्देश दिया। और वो निर्देश किस तरीके से दिया था, ये आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो हम कोशिश कर रहे हैं, ये मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा है वहाँ आप इन कोर्स का यूज कर सकते हैं, आपके जो मार्क्स हैं आप उनको इंक्रीज कर सकते हैं मुख्य परीक्षा में भी। ध्यान दीजिएगा, चाहे इतिहास की बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश के इतिहास की बात कर लें, दोनों में ये सारी चीजें इंपोर्टेंट रहेंगी। एकदम प्योर कहानी की तरह चल रही है, ठीक है, क्लियर है बात। ये उस टाइम की हिंदी भाषा बोल सकते हैं इस बात को, ठीक है, या बोल सकते हैं इसको अवधी भाषा का प्रयोग भी यहाँ पर किया जा सकता है। स्पेशली बोला तो बुंदेलखंड, क्योंकि बुंदेलखंड के रहने वाले थे तो बुंदेली का यहाँ पर यूज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। और भाई साहब 1668 में जब शिवाजी से छत्रसाल मिलते हैं तो 1670 में वापस आ जाते हैं कहां पर, बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड में आने के बाद में जितने भी आसपास के राजा थे, उन सब से ये क्या करते हैं, उन सब से ये बोलते हैं कि चलो हम मुगलों के खिलाफ क्या करेंगे, अब लड़ाई करेंगे। लेकिन होता जो जैसा अभी तक होता आया था वही एक बार फिर हुआ। यहाँ पर जो दतिया नरेश थे, यानी कि जो दतिया के राजा थे, क्या नाम था, शुभकरण, उन्होंने क्या कर दी, मना कर दी, भाई मैं नहीं जाऊँगा। उसके साथ साथ में यहाँ पर ओरछा के जो नरेश जो राजा थे, जिनका नाम था क्या, सुजान सिंह। क्या नाम था, सुजान सिंह। सर पॉलिटी भी पढ़ा दिया करें, हाँ कोशिश करेंगे पॉलिटी की, पहले ये तो हिस्ट्री तो पढ़ लो। ठीक है, इन दोनों ने क्या कर दी, मना कर दी। इसके साथ साथ में तीसरा जो यहाँ पर है छत्रसाल के खुद के भाई, नाम क्या है, रतन शाह। क्या नाम है, रतन शाह। ध्यान देना, रतन शाह, अंगद शाह, ये कौन है, ये भाई है किसके, ये छत्रसाल के भाई है। इन्होंने भी मना कर दी कि भाई मैं आपके साथ में मुगलों के खिलाफ नहीं जाऊंगा, उनसे लड़ाई करना बेकार है, हम उनसे नहीं जीत सकते। और इस बात से यहां पर 25 सेना और 5 घोड़ों के लेकर छत्रसाल ने अपनी जो सेना थी उसको क्या कर लिया, उसको स्थापित कर लिया। खुद की एक छोटी सी सेना बनाई और केवल यह सोच लिया कि अब मैं इन मुगलों का जो वंश है उसको समाप्त करके ही रहूंगा, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा ली। तो यहां तक जितनी सारी चीजें हमने कोशिश की वो सारा का सारा मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, मुख्य परीक्षा में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान देना इस बात पर। ठीक है, क्लियर बात। चलिए आगे देखते हैं। अब बात ये आ रही है कि भाई चलो ठीक है, इन्होंने तो मना कर दी और अब सेना किसने स्टार्ट कर दी है, औरंगजेब ने, छत्रसाल ने यहाँ पर क्या कर ली है, अपनी सेना बना ली है। और सेना बना के स्टार्टिंग कितने से की है, 5 तो इनके पास में घुड़सवार हैं और 25 क्या है, सैनिक है। इतने से धीरे धीरे इन्होंने क्या कर लिया, स्टार्ट कर लिया। अब इतने से मुगलों से लड़ना तो पॉसिबल था नहीं, इससे तो लड़ नहीं सकते, तो करें क्या, इन्होंने क्या किया कि आसपास के जो क्षेत्र थे उन आसपास के क्षेत्रों को लूटना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे क्षेत्र लूटे गए छत्रसाल के द्वारा। और क्षेत्र क्यों लूटे गए, जनता को नहीं लूटा गया, जो स्पेशल, क्योंकि सारा का सारा क्षेत्र किसके अधीन है, मुगलों के अधीन है। तो मुगलों के जो क्षेत्र थे उनको क्या कर दिया गया, लूट लिया गया। और लूटने के बाद में जो यहाँ के जो इनके सैनिक थे, ये छोटे छोटे से, इनको बहुत सारा धन दिया गया, बहुत सारा। और जब ये धन इनको दिया गया, इन लोगों को देख के बहुत सारे जो लोग थे वो क्या हो गए, मोटिवेट हो गए। अरे यार, राजा छत्रसाल के साथ में तो बहुत सारा पैसा मिलता है, वहां तो बहुत मजा आता है। बहादुर शाह जफर कब राजा बना था? अरे भाई, बहादुर शाह जफर जो था वो अंतिम मुगल सम्राट है, उसके बारे में आगे बात करेंगे बेटा, यहाँ फोकस कर पहले ये छत्रसाल को तो पढ़ ले। अभी औरंगजेब तो गया नहीं है, बहादुर शाह जफर कहाँ से आएगा? ठीक है, तो अब लोग इसको देख के क्या हो गए, मोटिवेट हो गए। क्या उनकी तो सेना बहुत सारा पैसा मिलता है। एक काम करते, चलो उनकी सेना में क्या करते हैं, हम भर्ती हो जाते हैं, और देखते ही देखते महाराजा छत्रसाल की एक बहुत बड़ी सेना स्थापित हो जाती है। और जब सेना स्थापित हो जाती है उसके बाद में औरंगजेब के द्वारा टाइम टाइम पर अपने जो सेनापति थे वो यहां पर भेजे जाते हैं। किसके पास भेजे जा रहे हैं, ये सेनापति भेजे जा रहे हैं छत्रसाल के पास में कि आप उसको हराइए, आपको छत्रसाल को अब क्या करना है, हरा देना है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां जितने भी सेनापति आए, चाहे वो अब्दुल समद हो, चाहे वो बहलोल खान हो, चाहे वो धमेनी में सदरुद्दीन हो, आफरियाब की बात कर लेते हैं, आफरियाब अगर हो यहां पर, तो इन सबने ही यहां पर महाराजा छत्रसाल के सामने क्या कर दिए, अपने जो घुटने थे वो क्या कर दिए, टेक दिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, यहां से बन सकता है, ये फटाफट से मुझे बताओ कि ये जो धमोनी है, धमोनी किस जिले में है? धमोनी जो है, या आपसे सीधा क्वेश्चन पूछता हूं, एक फेस्टिवल होता है धमोनी उर्स, धमोनी उर्स मध्य प्रदेश के किस जिले में? फटाफट से बताओ, फटाफट से आंसर दो। धमोनी उर्स मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? जल्दी से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो। धमोनी उर्स, प्रदीप गुर्जर ने आंसर दिया है, सागर सर प्लीज प्रोवाइड अस पीडीएफ, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द पीडीएफ भी दे दी जाए। निशान ने आंसर दिया है सागर, प्रदीप ने आंसर दिया है सागर, आरव सिरमल बोल रहा है मध्य प्रदेश, प्रदीप गुर्जर सागर सागर बिल्कुल सही। जो राइट आंसर है इसका क्या हो जाएगा, पन्ना में नहीं है, धमोनी इर्स जो है वो कहां पर होता है, सागर में। कहां पर होता है ये, सागर में। ठीक है, ध्यान देना। तो यहां पर जितने भी, चाहे इगलास खान की बात कर लें, जितने भी यहां पर सेनापति भेजे गए उन सारे सेनापति को छत्रसाल ने क्या कर दिया, उन सारे सेनापति को क्या कर दिया, हरा दिया। और यहां पर जब बात करते हैं इगलास खान की, इखलास खान ने तो क्या कर दिया कि जो छत्रसाल थे उनकी सेना को रखने के लिए यहां पर क्या दे दी, जगह भी दे दी कि भाई तू रख ले, हम यहां पे तुमसे युद्ध नहीं कर सकते हैं। और एट द लास्ट यहां पर जो सेनापति आता है उसका नाम क्या होता है, रणदूला। क्या नाम होता है, रणदूला आता है। 30,000 सैनिक, 30,000 सैनिक जो होते हैं वो किसके लिए आते हैं, छत्रसाल के लिए, उसको हराने के लिए। लेकिन यहां भी ये जो छत्रसाल है इनके द्वारा एक पद्धति अपनाई जाती है, और उस पद्धति का नाम बेटा ध्यान देना, जो पद्धति किसने अपनाई थी, शिवाजी ने। कौन सी पद्धति थी, छापा मार। कौन सी पद्धति थी, छापा मार पद्धति। इस पद्धति के द्वारा क्या होता था, जैसे अंधेरा हो जाए छुप जाओ, और छुपने के बाद में जब ये लोग सो जाएं या जब ये लोग जब एंजॉय करने लगें तो उस टाइम पर आके इनको क्या कर दो, मार दो, इनका जो अस्त्र है उसको, जो अस्त्र है, जो पैसा है वो सारा का सारा क्या कर लो, लूट लो। बात समझ में आ गई आपको। तो यहां पर छापा मार पद्धति के द्वारा छत्रसाल ने औरंगजेब के जितने भी सेनापति आए उन सारे सेनापति को क्या कर दिया, हरा दिया। सारे सेनापति को, चाहे वो कोई भी हो। 30,000 सैनिकों की एक टुकड़ी भी यहां पर छत्रसाल का कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए उनको वीर छत्रसाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, वीर छत्रसाल, या फिर क्या बोलते हैं, बुंदेल केसरी। ध्यान देना, अगर आपसे कोई पूछे कि बुंदेल केसरी की उपाधि किसकी है, तो बुंदेल केसरी की उपाधि किसकी है, महाराजा छत्रसाल की है। ठीक है, हाँ, रेड बिल्कुल सही। अभिषेक इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, रेड बोल देंगे। चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आई है। क्या आया भाई, छत्रसाल और छत्रपति के बीच फंसा रहा औरंगजेब। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, ध्यान देना इस बात पे। देखो, यहां पे जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो औरंगजेब है वो कहां शासन कर रहा है, औरंगजेब शासन कर रहा है दिल्ली में। अब ये मत बोलने का सर ये तो पाकिस्तान तो बना नहीं है, आपने कैसे बना दिया, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो यहां वाला एरिया में कौन है भाई साहब, एक ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, और यहां बीच में कौन है, बीच में है यहां पर औरंगजेब। ठीक है, यहां पर बीच में कौन है, यहां पर बीच में कौन है, औरंगजेब। अच्छा, तीन चीजें, सिखों के 10वें गुरु जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, यहां पर शिवाजी और इस तरफ कौन है, छत्रसाल, और बीच में कौन है यहां पर, औरंगजेब। बीच में कौन है यहां पर, औरंगजेब फंसा हुआ है। मतलब बीच में यहां पर औरंगजेब, यहां पर कौन है, गुरु गोविंद सिंह, यहां पर कौन है, छत्रसाल, और यहां पर कौन है, शिवाजी, और बीचों बीच जो फंसा हुआ है वो कौन, औरंगजेब। एक ये भी कारण था कि औरंगजेब की जो नीतियां थी वो काम नहीं कर पा रही थी। फटाफट से मुझे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, एक क्वेश्चन मुझे जल्दी से बताओ आप कि गुरु किसने, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? फटाफट से आंसर दो, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी और कब की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी और कब की थी? ये क्वेश्चन आप मुझे देंगे, फटाफट से जल्दी से आंसर दो। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है सर, ये यूपीएससी में भी आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, ये हम 8वीं कक्षा नहीं पढ़ रहे मेरे भाई, मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। मध्य प्रदेश में जो प्राथमिक परीक्षा होती है वहां भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो यूपीएससी में तो ऑब्वियस सी बात है कि आएगी आएगा, है ना, ध्यान देना। देखो आंसर आ गया अपने पास में, आंसर आ गया है 1668 बोल रहा है आरव श्रीमल, नहीं गलत आंसर, गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, बिल्कुल सही। राइट आंसर दिया है प्रियंका शुक्ला एवसम अरे न्यूटेक, बिल्कुल सही राइट आंसर 1665, नहीं गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा 1699। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, ठीक है, ध्यान देना 1699 में, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो ध्यान देना यहां पर औरंगजेब वो है वो क्या हो गया बेटा, वो फंस गया है किसके बीच में, गुरु गोविंद सिंह के बीच में, शिवाजी के बीच में और छत्रसाल के बीच में। ये एक कारण रहा कि यहां पर औरंगजेब अपना जो विस्तार करना चाहता था उतना वो विस्तार नहीं कर पाया। बिल्कुल सही, सुमित गिरी गोस्वामी ने आंसर दिया है 1699, गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल सही राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है बेटा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यह बात आती है कि भाई चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन औरंगजेब की वास्तविकता में हत्या हुई थी या उसको मार दिया गया था, यह एक चर्चा का विषय जो है वो बना हुआ है, और इसी विषय पे हमारी आज की वीडियो थी। क्या क्या वास्तव में 1707 में औरंगजेब की केवल मृत्यु हुई थी या उसको मारा गया था? तो आपको याद होगा, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहता हूं बच्चों, फटाफट से आप लोग मुझे आंसर दोगे। ये बताओ जो शिवाजी थे, शिवाजी, शिवाजी का नाम तो सुना होगा ना आपने, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? फटाफट से आंसर दो, चलो जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? नेचुरल मृत्यु, प्रदीप बोल रहा है नेचुरल मृत्यु। हत्या और मार दिया गया में अंतर क्या है? हत्या हत्या हुई थी या मृत्यु हुई थी, ये बात बोल रहे हैं सर। औरंगजेब को शिवाजी ने मार दिया था क्या? सुन तो ले मेरी बात। अनमोल चौधरी, रामदास स्वामी, रामदास, कौणवदेव, कौणवदेव ठीक है, लेकिन यहां पर जो गुरु की बात, रामदास स्वामी, समर्थ रामदास, ठीक है, आप लोग जो बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन यहां पर आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समर्थ रामदास, यहां पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर विशेषता क्या है कि जैसे दक्षिण में शिवाजी थे और उनके गुरु कौन थे, समर्थ रामदास, वैसे ही इस तरफ जो 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 शासक था उसका नाम क्या था, उसका नाम था छत्रसाल, और इनके भी क्या गुरु थे जिनका नाम था प्राणनाथ, क्या नाम था, जिनका नाम था प्राणनाथ। अब यहां पर कोशिश यह की गई कि छत्रसाल ये चाहता था कि मैं कैसे भी औरंगजेब को खत्म कर दूं, लेकिन इतना बड़ा मुगल साम्राज्य इसको ऐसे तो खत्म नहीं कर सकते थे। तो यहां पर यह कहा जाता है कि जो छत्रसाल के गुरु थे प्राणनाथ महाप्रभु, उन्होंने ये बोला कि मैं तुमको एक ऐसा अस्त्र दूंगा जिसमें जहर लगा होगा और तुमको सिर्फ औरंगजेब के पास में जाके इस तरीके से उसको मतलब इतना चीरा लगाना है कि वो ऑन द टाइम, ऑन द स्पॉट ना मरे, वो तड़प तड़प के धीरे धीरे जब जहर उसके शरीर में फैलेगा, उस जहर के फैलने के कारण उसकी बाद में क्या हो जाएगी, उसकी बाद में मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। तो ध्यान देना यहां पर ये लिखा हुआ है प्राणनाथ महाप्रभु जी ने खास प्रकार के जहर से युक्त एक खंजर दिया, क्या दिया था, एक खंजर दिया था, और बुंदेलखंड और सारी योजना जब यहां पे यूज की गई तो बुंदेलखंड में ये प्रयोग किया गया कि हम किसी भी प्रकार से औरंगजेब को मार के रहेंगे। और यहीं पर बात क्या कोशिश की गई है कि यह खंजर केवल उसको 1 इंच से भी गहराई के घाव देते हुए लंबा सा एक चीरा ही मारना था, जिससे वो क्या होगा, जिससे वो तड़प तड़प के क्या हो जाएगा बेटा, मर जाएगा, जिससे तड़प तड़प के क्या होगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यहीं पर जिससे कि धीरे धीरे उस जहर का असर फैलेगा और औरंगजेब तड़प तड़प कर मर जाएगा, ऐसी कोशिश की गई। और एट दी लास्ट छत्रसाल ने इस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया और ऐसा कहा जाता है कि 3 महीने तक तड़प तड़प के औरंगजेब की 3 मार्च 1707 को मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो अपने प्राणों को क्या कर देता है, वो अपने प्राणों को त्याग देता है, अपने प्राणों को क्या करता है, त्याग देता है। और यहीं पर उसका दौलताबाद में फिर क्या बना देते हैं, औरंगजेब को दफना दिया जाता है। तो अगर यहां पर, और इस बात का प्रूफ ये लिखा हुआ है आपके सामने कि औरंगशाही में औरंगजेब ने स्वयं लिखा है कि मुझे प्राणनाथ महाप्रभु ने और छत्रसाल ने धोखे और छल से मारा है। उसकी जब मृत्यु हुई थी उससे पहले जो आपको पता है कि बहुत सारे शासक लिखते थे, तो वहां पर यह कोशिश की गई, उसने ये लिखा है कि मुझे धोखे से मारा गया, मृत्यु हुई। क्लियर है बात, फॉरेंसिक रिपोर्ट करवाना था उसका, नेचुरल डेथ। ऐसा ही सिकंदर के साथ भी किया था, 90 साल नेचुरल डेथ। आज 8 PM न्यूज सॉन्ग आ रहा है। बहुत खुशी हुई हमें सुनकर कि औरंगजेब तड़प तड़प के मरा। आई एम फ्रॉम पंजाब। ठीक है, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है, आप सबको समझ में आ रही है। तो यहां पर ऐसा, अब देखिए, हो सकता है कि ये किंवदंती हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहां जो इतिहास के पन्नों में जो कहानी दर्ज है महाराजा छत्रसाल के लिए, उसके विषय पे भी हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी देश का भविष्य तभी जान सकते हैं जब आप उसका इतिहास जानते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आपको जानना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, स्वामी समर्थ रामदास, और छत्रसाल के गुरु का नाम क्या था, महाप्रभु प्राणनाथ महाप्रभु इनके गुरु का था। और अपने गुरु के कहने पर उन्होंने यहां पर जो औरंगजेब था उसकी क्या कर दी, औरंगजेब ने यहां पर उसकी। दूसरा पॉइंट हमारे सामने आता है, भाई 1707 में मृत्यु तो हो चुकी है, लेकिन इसके बाद में शासक कौन बनता है, उसका नाम होता है मोहम्मद शाह या मोहम्मद शाह। इसको प्रथम भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको हम, मोहम्मद शाह प्रथम भी बोल सकते हैं। इसके कहने पर प्रयागराज, नाम तो नाम सुना होगा ना आपने, प्रयागराज का पुराना नाम क्या था, फटाफट से आंसर दो। प्रयागराज का छत्रसाल को किसने मारा था बेटा, इनकी नेचुरल डेथ हुई थी, इनको किसी ने नहीं मारा था। प्रयागराज का पुराना नाम सब लोग को पता होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर दो, प्रयागराज का पुराना नाम क्या था, जल्दी से आंसर दो। अरे सबको पता है यार, ये तो बहुत आसान सी चीज है, पॉइजन से मारा। इलाहाबाद। मोहम्मद शाह रंगीला, अरे वो रंगीला नहीं है मेरे भाई, वो रंगीला नहीं है, ये मोहम्मद शाह प्रथम है, वो अलग। अगला जब आप देखेंगे वहां पे तो फर्रुखसियर की बात की जाती है, उसको घृणित कायर बोला जाता है, जहांदर शाह को लंपट मूर्ख बोला जाता है। हाँ, ये 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ध्यान देना इस बात को। जहांदर शाह इसको बोला जाता है लंपट मूर्ख, क्या बोलते हैं, लंपट मूर्ख। ठीक है, और इसके बाद में एक शासक हुआ था जिसका नाम क्या था, इसको बोलते थे फर्रुखसियर बोला जाता था, को इसको बोलते थे घृणित कायर। ये इनकी दोनों की विशेषता है, ये दोनों को बोला जाता था। ठीक है, नाम हो जाएगा इसका क्या, इलाहाबाद। ठीक है, तो यहाँ का एक सूबेदार था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था बंगस। अब आइए कहानी, ध्यान देना, नाम क्या है उसका, बंगस। ठीक है, और बंगस ने क्या किया, यहां पर आक्रमण करने की सोच ली, किसके कहने पर, मोहम्मद शाह के कहने पर क्या कर लिया, उसने आक्रमण करने की सोच ली। और अब आक्रमण कहां पर होगा, बंगस कहां करेगा, बुंदेलखंड पे। अब यहां से जो कहानी स्टार्ट होती है वो कहानी जो होती है, एक मिनट, जो कहानी थी वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। मूवी आई थी ना, याद होगी आपको, याद है कि नहीं है, बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी का जो किस्सा है वो यहीं से वो प्रेम कहानी जो है वो बनना स्टार्ट होती है। 1729 में मोहम्मद शाह प्रथम के कहने पर प्रयागराज के सूबेदार बंगस ने छत्रसाल पर आक्रमण किया। छत्रसाल का मतलब कहां पर आक्रमण किया है, बुंदेलखंड पर आक्रमण किया है। और उसकी उच्छा जो थी वो यहां पर कोंच, सेवड़ा, सोपरी और जालौन, इतना मतलब कोंच तो आपको नाम सुना होगा, सेवड़ा जो लिखा हुआ है सेवड़ा है, दतिया के पास में सेवड़ा है, सोपरी और जालौन, इन पे शासन करने की इच्छा थी। छत्रसाल को मुगलों से लड़ने में दतिया सेवड़ा के राजाओं ने सहयोग नहीं दिया। ठीक है, दतिया और सेवड़ा के जो राजा थे उन्होंने क्या नहीं दिया, पर उसको सहयोग नहीं दिया है। और उनका पुत्र हृदय शाह भी उदासीन होकर अपनी जागीर में बैठा रहा, पुत्र ने भी साथ नहीं दिया। देना दो पुत्र थे, हृदय शाह और जगत राय, और भी पुत्र थे लेकिन दो इंपोर्टेंट थे, हृदय शाह और जगत राय। ये दोनों ही पुत्रों ने अपने पिता का क्या नहीं दिया, अपने पिता का सहयोग नहीं दिया। और इसके बाद में यहां पर जो इनकी पुत्री थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मस्तानी बाई। क्या नाम था, मस्तानी बाई। और मस्तानी बाई के द्वारा बाजीराव पेशवा को एक खत भेजा जाता है, किसके द्वारा, किसके द्वारा, महाराजा छत्रसाल के द्वारा। क्या कहा जाता है कि जो गति भई गजेंद्र की सो गति पहुंची आए, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजीराव। जो पहले शासक में जो भी शासनकाल हुआ है उसी के तरह बुंदेलखंड पे भी यहाँ पर बात आ गई है। अब ये कहानी सीधी की सीधी किसके पास में है, आपके पास में है। अब आपको यहाँ पर हमको बचाना है। पन्ना पहले बोल तो दिया है बेटा, छत्रसाल की राजधानी पन्ना बनाई गई थी। ध्यान नहीं देते हो प्रदीप, तुम कहाँ लगे रहते हो, है मेरे लाल, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। तो यहां पर एक कहानी पहुंचाएगी किसके द्वारा, मस्तानी के द्वारा, किसके पास, बाजीराव के पास, सॉरी बाजीराव प्रथम के पास में, किसके पास, बाजीराव प्रथम। ये ध्यान देना, बालाजी विश्वानंद नहीं है, ये कौन है, ये बाजीराव प्रथम है, जिनका शासनकाल कितना चला था, जल्दी से बताओ, बाजीराव प्रथम का शासनकाल कितना चला था, जल्दी से बताओ। बाजीराव प्रथम का शासनकाल कितना था, फटाफट से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। बाजीराव प्रथम का शासनकाल कितना था, कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूं आपको। इनका शासनकाल था 1720 से लेके 1740, 1720 से लेके 1740 जो था वो बाजीराव प्रथम, ये बाजीराव प्रथम है। कौन से हैं ये, बाजीराव प्रथम थे। और ये कौन है, मस्तानी बाई, जो किसकी बेटी है, राजा छत्रसाल की। ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। तो जब इनके पास में पहुंचती है, इनसे बातचीत होती है, और बातचीत होने के बाद में यहां पर जो बाजीराव प्रथम होते हैं ये बंगस को क्या करा देते हैं, हरा देते हैं। और 30 मार्च 1729, कौन सी, 30 मार्च 1729 को बाजीराव बंगस को हरा देता है। और वो सेना क्या होती है, वापस लौट जाती है और अपने वादे के मुताबिक पूरी अपनी संपत्ति को छत्रसाल के द्वारा अपने 3 बेटों में, 2 बेटे कौन से, हृदय शाह और जगत राय, और तीसरा बेटा किसको मान लिया था, बाजीराव प्रथम को। तो यहां पर तीनों बेटों में तीसरा भाग किसको दे दिया जाता है, बाजीराव पेशवा को सौंप दिया जाता है। किसको, सब देख के बता रहे हैं, हाँ ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। सर ये तो रणवीर सिंह है, अरे बेटे पिक्चराइज किया है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना, लेकिन मेरी बात को समझ मेरे मुन्ना, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। तो दोनों पुत्रों को क्या दिया, उनका उनका हिस्सा, और तीसरा हिस्सा किसको दिया, बाजीराव को। दोनों पुत्र, पहला कौन सा है, हृदय शाह, और दूसरा कौन सा है, जगत राय, और तीसरा किसको मान लिया था, बाजीराव पेशवा को। और इसके बाद में ही मस्तानी और बाजीराव की जो प्रेम कथा है वो आज भी हमने मूवी के माध्यम से देखी। क्लियर है बात, समझ में आ गई। अच्छा कल ही मैंने क्वेश्चन पूछा था ना आपसे, क्वेश्चन पूछा था बाजीराव प्रथम की समाधि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, तो आप लोगों ने आंसर दिया था सर वो तो खरगोन जिले में है। कौन से जिले में है, खरगोन जिले में, ठीक है। और खरगोन जिले में ही क्या है यहाँ पर बेटा, महेश्वर है। क्या है? महेश्वर। महेश्वर किस नदी किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे, जिसको राजधानी किसने बनाया था? जिसको राजधानी बनाया था अहिल्याबाई होलकर ने। किसने बनाया था बेटा? अहिल्याबाई होलकर ने इसको बनाया था। काशी विश्वनाथ की स्थापना किसने की थी? अहिल्याबाई होलकर ने उसकी स्थापना की थी। कुशावर्त घाट हरिद्वार में किसने बनाया था? अहिल्याबाई होलकर ने। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे देखो, अब यहां पर जो बना हुआ है छत्रसाल का किला, आप देखेंगे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। कौन सा जिला है? मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला है, जहां पर ये जो छत्रसाल का किला है ये बना हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। क्लियर बात सारी चीजें। चलिए अगली बात, महाराजा छत्रसाल की समाधि। जैसा कि आपको पता है कि छत्रसाल की मृत्यु कब हो गई थी? 13 मई 1731 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और यही मध्य प्रदेश के छतरपुर में, छतरपुर के पास में यहां पर छत्रसाल की क्या बना दी गई? समाधि। किसके द्वारा बनवाई गई? बाजीराव प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? बाजीराव प्रथम के द्वारा। इस समाधि का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था, जो आपके सामने है। सर आई लव यू द वे यू कॉल अस बेटा। काशी विश्वनाथ तो यूपी में है। शुभ मामले, मैंने कल भी बेटा तुमको बताया था कि भारत के 26 राज्यों में होलकर वंश की संपत्ति है। लगभग 1500 संपत्तियां हैं होलकर वंश की पूरे 26 राज्यों में। ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। तो यहां पर किसको निर्माण करवाया गया है? यहां पर निर्माण किया गया है महाराजा छत्रसाल के द्वारा। ठीक है, अब ये इंपोर्टेंट लाइन आपके सामने, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए। कभी भूषण यहां पर देखा आपने लाइन लिखी हुई है, छत्ता तेरे राज में। छत्ता का मतलब यहां पर क्या है? यहां पर नाम लिया गया है किसका? ये नाम लिया गया है महाराजा छत्रसाल का। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होए। जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होए। इसका मतलब, फत्ते का मतलब यहां पर क्या है? फत्ते का मतलब है यहां पर विजय। क्या मतलब यहां पर? विजय, या इसको बोल सकते हैं हम फतह। क्या बोल सकते हैं? फतह। यानी कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, पूरी धरती हिल रही है। ये अगर पूछा जाए आपसे तो हिंदी में एक अतिशयोक्ति अलंकार है। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फतेह होए। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? सबको समझ में आ गया है? चलिए, तो ये बाजीराव पेशवा के द्वारा यहां पर क्या करवाया गया है? इसका निर्माण करवाया गया है। कौन से जिले में? छतरपुर जिले में। ठीक है, चलिए कुछ इंपोर्टेंट चीजें जो आपके सामने एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए महाराजा हृदय शाह का महल कहां पर है? हृदय शाह कौन है? बेटा है उन्हीं का। ठीक है, ये भी छतरपुर में है। शनि मंदिर, मऊ साहिनिया। अगर आपको कभी जानना हो छत्रसाल को महल देखने, तो आपको जो जगह जानी पड़ेगी वो कौन सी जानी पड़ेगी? मऊ साहनिया। आपको यहां पर जाना पड़ेगा छतरपुर के लिए। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? चलिए दूसरा, गौरैया माता मंदिर छतरपुर में, और जगत सागर तालाब जो है वो कहां पर है? छतरपुर में। देखो पहला बेटा कौन सा है इनका? पहला बेटा है यहां पर हृदय शाह। इसके लिए यहां पर क्या बना हुआ है? महल बना हुआ है। कौन से जिले में? छतरपुर जिले में। ठीक है, दूसरा बेटा कौन सा यहां पर? जगत राय। उसके नाम से यहां पर क्या बना हुआ है? तालाब। कौन से जिले में? छतरपुर जिले में। ठीक है, क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई? और अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है, हाँ, लेकिन इंपोर्टेंट अगर देखा जाए तो अतिशयोक्ति। यू कैन टीच ऑल सब्जेक्ट सर। क्लियर है? समझ में आ गई आपको यहां सारी की बातें? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपने इस सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। 1731 में जब छत्रसाल की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद के जो शासक रहे वो धीरे धीरे करके आज गुमनामी का जीवन जी रहे हैं। लेकिन जितने भी हमारे पास में, ये पूछ रहा है सर जहांगीर के बेटे का नाम। देखो मेरे मुन्ना, एक चीज बताएं तुमको, सबसे पहला शासक कौन है? सबसे पहला शासक है बाबर। ठीक है, बाबर के बाद में कौन आया है? हुमायूं। हुमायूं के बाद में कौन आया है? अकबर। अकबर के बाद में कौन आया है? जहांगीर। 4-5 बता दे रहा हूं मैं आपको। जहांगीर के बाद में कौन आया है? शाहजहां। शाहजहां के बाद में कौन आया है? औरंगजेब। ठीक है, कौन आया है? औरंगजेब। क्लियर? अब मेरी बात सुनिए जरा, एक ट्रिक बता दे रहा हूं मैं। बहू आज शाम औरंगाबाद गई। बहू आसम कहां गई है? औरंगाबाद गई है। कैसे? बा से क्या हो जाएगा? बा से हो जाएगा बाबर। ठीक है, हु से हो जाएगा हुमायूं, आ से हो जाएगा अकबर, जा से हो जाएगा जहांगीर, शाह से हो जाएगा शाहजहां और ओ से क्या हो जाएगा औरंगाबाद यानी कि औरंगजेब। तो ये भी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ये मध्यकालीन हिस्ट्री है, मेडाइवल हिस्ट्री है ये, मेडाइवल। चलिए, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको माइंड में आपके बैठी रहनी चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है थैंक यू सो मच अभिषेक। तो गाइज, आज का सेशन हुआ ये समाप्त। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो जल्दी से इसके नोट्स बना लीजिएगा और जल्दी ही मैं मध्य प्रदेश से संबंधित बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो एजुकेशनल जो वीडियोस हैं उनको हम लेके आने वाले हैं। क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जितनी भी सारी की सारी जो वीडियोस हैं ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप छत्रपति शिवाजी महाराज बोलिए सर, सिर्फ शिवाजी मत बोलना। जी बिल्कुल, वीर छत्रपति शिवाजी बोल सकते हैं। बहादुर शाह जफर लास्ट था, मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था उसका नाम था बहादुर शाह जफर। अब उसको या तो आप बहादुर शाह द्वितीय बोल सकते हैं या बहादुर शाह जफर बोल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं बोलना बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऐसा नहीं, या तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, क्योंकि वो जफर के नाम से कुछ कविताएं लिखता था इसलिए उसका नाम जफर था, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन बच्चों हुआ यहीं समाप्त। बाकी सारी बातें करेंगे हम कल, मैं आऊंगा कुछ नई वीडियोस लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।